फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्क फॉर हाइम। टुडे वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ वेरी डिलीशियस एंड हेल्दी कुकी, दैट इज ओट्स बादाम कुकी। आई हैव दोज, आई जस्ट शो यू द इंग्रेडिएंट्स। दिस इज पाउडर्ड ओट्स, आई हैव मिक्स्ड इट फ्रॉम मिक्सर से मैंने निकाला है ओट्स को, रोल्ड ओट्स है, सो मैंने मिक्सर से निकाला है। दिस इज फ्लैक्स सीड्स, 1 कप ऑफ मिल्क एंड नियरली 6-7 बादाम्स, आलमंड्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। ये ओट्स कुकीज मैं दो लोगों के लिए कर रही हूँ, तो हियर आई एम टेकिंग 3 दिस मेजरमेंट ऑफ फ्लैक्स सीड्स, 2.5 नियरली। देन आई एड दिस ओट, होल ऑफ ओट्स पाउडर। देन आई एम एडिंग दिस बादाम। इट्स बादाम ओनली। नाउ विल इसको हम थोड़ा गोल्डन करेंगे। ये फ्लैक्स सीड्स है ना, ये पॉप करता है, इट पॉप्स अप, इट मेक्स सम नॉइस, क्रैकलिंग नॉइस। सो अंटिल देन विल मेक इट गोल्डन ब्राउन। ऑल्सो इट्स देयर सम अरोमा दैट कम्स, भी हमको पता चल जाता है कि हाँ अभी एक रोस्ट हो चुका है और कुकी का तैयार है ये। I'm keeping it in a medium flame only. You can also first roast this 3 ingredients and then mix it up से निकाल सकते हैं, but easy way ये कि पहले oats को mixer से grind करके लीजिए and then only roast it, तो जल्दी से हो जाता है। एंड इसको हम स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि हमको इसको घी में, विच इज़ वेरी हेल्दी फॉर बोन्स, स्पेशली लेडीज को तो रिक्वायर्ड ही है। टर्निंग ब्राउन, दिस यू शुड हैव एटलीस्ट 2 इवनिंग स्नैक्स विद ग्रीन टी, इट्स वेरी हेल्दी, देयर इज नो जैगरी, नॉट नो स्वीट, बट येट इट इज वेरी यम्मी। द फ्लैक्स सीड्स हैव स्टार्टेड टू क्रैकल, सो आवर मिक्सचर इज रेडी। अरोमा भी बहुत अच्छा आ रहा है। आई स्विच ऑफ द गैस। दिस मिक्सचर आई हैव टेकन इन अ बाउल एंड अब ये थोड़ा थोड़ा करके हम इस दूध को हम इसमें मिक्स करेंगे और कुकी का जितना मॉइस्चर ये लगना डो तैयार करने के लिए लगेगा, हम वैसे बनाएंगे। सी अवर डो इज रेडी, विल रिक्वायर दिस मच मिल्क टू अप्लाई ऑन आर हैंड क्योंकि स्टिकी होता है ओट्स। मैंने एक साइड तवा गर्म करने के लिए रख दिया है, अभी मैं दिखाती हूँ कैसे ये बनाना है। हमें इसको रोल रोल हाथ से ही करना पड़ेगा। अप्लाई सम मिल्क ऑन योर पाम, इसको ऐसे करके just press it, you can give any shape which you like, I am giving it a round shape. तवा गर्म हो चुका है क्या देखना है, मेरा अभी तक नहीं हुआ, मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ क्योंकि गर्म तवे पे ही रखना है और हमें घी लेना है।
घी का ही यूज़ करना है हमें। ये हमारे तैयार है, ये कौन से भी शेप में आप कर सकते हैं। लेट मी टेल यू, इट्स वेरी हेल्दी फ्रेंड्स फॉर इवनिंग स्नैक्स। हैव इट विथ ग्रीन टी, इट्स प्रेफरेबल। तवा गर्म हो चुका है, नाउ आई एम पुटिंग घी। दिस ब्रिंग्स टेस्ट टू योर कुकीज, ज़्यादा नहीं। फ्रेंड्स ओट्स आर रिच सोर्स ऑफ फाइबर, सो दे आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, स्पेशली जिनको कॉन्स्टिपेशन है। वेट लॉस में जो है वो ओट्स ज़रूर खाए, एंड वन ऑफ दिस डिशेज आई वुड प्रेफर फॉर इवनिंग स्नैक्स है ओट्स बादाम कुकी। लेट मी सी, इट्स डन, दिस साइड इज डन। पैदा भी नहीं लगता है, दिस इज नॉट, ये हो रहा है टाइम बेटा, देखिए ये भी नहीं है। आई एम यूजिंग दिस, इट्स ऑलमोस्ट डन, दिस साइड इट्स रिमेनिंग। निकाल देते हैं, इसे थोड़ा ब्राउन ब्राउन गोल्डन, जलना नहीं चाहिए, ऑयल स्विच ऑफ दे देते हैं, तवा गर्म हो चुका है। That's it guys, the oats badam cookies are ready and I am now serving it to my husband. It's tea time. Bye guys, see you in the next video. So friends, do tell me how you liked my today's recipe, oats badam cookie. The ingredients jo maine use kiya, yani flax seeds, oats, milk and badam. बहुत ही हेल्दी है, ऐसा कुछ नहीं है जो फैटी कर देगा या कुछ ये वज़न बढ़ा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओट्स देखिए फाइबर है, फाइबर रिच है, जो हम बहुत ही वेट लॉस के लिए तो अच्छा ही है, और जिनको कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होता है उनको ये तकलीफ़ भी दूर हो जाएगी। फ्लैक्स सीड्स इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। सी आई हैव दिस पैच इन फर्स्ट, बहुत ही पतला था मेरा ये सामने का। आई हैव बीन ईटिंग फ्लैक्स सीड्स फॉर द पास्ट वन एंड अ हाफ मंथ, एंड इट्स कवर्ड, इट्स बीन मतलब कवर हो रहा है मेरा पैच, बाल भी आ रहे हैं। तो इट्स बेटर इफ़ यू कंज्यूम फ्लैक्स सीड्स रादर देन अप्लाइंग इट ऑन योर हेयर। बहुत बोलते हैं कि फ्लैक्स सीड्स को पानी में बॉयल करके फिर वो लगाओ जेल लगाने का, बट दैट डजेंट गिव एनी रिजल्ट, रादर यू कंज्यूम इट, यू ईट इट, दैट इज़ बेटर। And बादाम is obviously almonds, you know how healthy it is for us. And milk मैंने इसलिए use किया है क्योंकि वो taste अच्छा होता है, और milk में तो calcium होता है जो हम bones के लिए बहुत ही useful होता है। तो please subscribe कीजिए, share कीजिए, और do try it at home because it is a very healthy snack for you guys. And friends please comment करते जाइए and subscribe कीजिए ताकि हर नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।